इस दौर के अंदर हमारा अलमिया यह है कि जवान लड़कों की शादियां लेट की जाती हैं। असल में इस पर बड़े मसाइल हैं, वईदे भी बड़ी सख्त हैं। अगर नौजवान ऐसा है जिसके बगैर उजर होने की वजह से वालदैन ने शादी लेट की और उसकी वजह से गुनाहों में मुबतला हो गया, तो उसका वबाल सिर्फ नौजवान पर नहीं होगा बल्कि वालदैन पर भी होगा। अब शादियां मुश्किल क्यों हो गई हैं ये आप भी जानते हैं, इसी मुआशरे में रहते हैं। ऐसा नहीं कि रिश्ते नहीं मिलते, लेकिन हमारा जो लेवल होता है ना वो उधर आसमान को छू रहा होता है। हम कहते हैं उस लेवल पर आएगा तो होगा, या हम भी उस लेवल पर पहुंचेंगे। और नुकसान क्या है कि शादी को महंगा कर दिया है और माज़ अल्लाह बदकारी को सस्ता कर दिया है। और हालात हमारे सामने हैं, जिस दौर के अंदर निकाह सस्ते होते थे ना उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बुराई का सिलसिला नहीं होता था। तो इसके लिए हल है कि ये इतने जहेज की सूरतों में इतने वलीमे पे खाने देने के चक्करों में क्यों जाते हैं। अपना लोगों ने बातें हर हाल में करनी होती हैं। मैं अपने शागिर्दों को अक्सर अर्ज करता रहता हूं कि लोगों तक जाएंगे ना तो इनकी मिसाल हमारी पंजाबी में देते हैं, अब मैं दे भी देता हूं, आगे से गुजरे तो पीछे से गुजरेंगे तो टांगे, अब समझ गया होंगे इनकी कैफियत यूं ही तरह की है। आप अगर खर्च अच्छा कर देंगे तो कहेंगे कहाँ लगाए, आराम कमाया हुआ कहीं तो लगाना है, फजूल लगाना ही लगाना है। अच्छा ना लगाएं तो क्या करता है, कंजूस है, लगा नहीं सकता। तो बेहतर है कि किसी को खिलाकर बातें सुनने से बेहतर है कि ना खिलाकर सुनी जाए। शायद मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, लेकिन बात वही करनी चाहिए जो हकीकत और सच्ची हो। अगर करके भी लोगों को खिलाकर भी बातें सुननी है तो महदूद रखा जाए, चार दिन बातें करेंगे खैर है, अपना घर बच जाएगा, इतना खर्च भी नहीं होगा, शादी जल्दी हो जाएगी, मजबूत हो जाएंगे। आप जहेज बहुत ज्यादा दे देना तब भी बातें करेंगे, नहीं देंगे तब भी बातें करेंगे। लोग किसी सूरत के अंदर आप राजी रखना चाहें, मैं अक्सर कहता हूं जब हुजूर से जमाना नहीं ना राजी हुआ तो मैं सर नीचे करके टांगे ऊपर कर लूं कभी भी राजी नहीं होगा। उल्टे लटक जाएं ना, हम सारे दिन रात लगे रहें जी मैं लोगों को राजी कर लूंगा, नहीं। लोगों ने मुनाफकतें शुरू कर दी लोगों को राजी करने के लिए, राजी फिर भी नहीं हुए। इसलिए लोगों को राजी ना करें, पहले किसको राजी करें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला को राजी करें।